हाथरस कांड को लेकर प्रदेश सरकार पर विपक्षी पार्टियों द्वारा इस कांड को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथरस के गांव फुलझड़ी में कल आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे, तभी जयंत चौधरी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज को लेकर बिजनौर जनपद के आरएलडी कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। जनपद बिजनौर के आरएलडी पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ शहर में जुलूस निकालते हुए जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन के माध्यम से उत्पीड़न किया जा रहा है। कल हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी हाथरस गए थे पीड़िता के परिवार से मिलने। वहाँ पर जब वो अपनी बाइक दे रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, पीछे से पुलिस ने, प्रशासन ने, पीएसी ने लाठी चार्ज करने का काम किया जानबूझकर। हमारे नेता पर, जयंत चौधरी पर लाठियाँ बरसाने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाने का काम किया, लाठी चार्ज किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उसी उपलक्ष में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जाम ज्ञापन पुतला फूंकने का कार्यक्रम हमने किया था उसके विरोध में।